बाबा दीप सिंह का जन्म 26 जनवरी 1682 को संधू जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता भक्ता एक किसान थे और उनकी मां जियोनी थी। बाबा दीप सिंह ने अफगान सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी। 1757 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। 13 नवंबर 1757 को अमृतसर की लड़ाई में सिखों और अफगानों के बीच टकराव हुआ और इसके बाद हुए संघर्ष में बाबा दीप सिंह का सिर काट दिया गया। बाबा दीप सिंह की मृत्यु के दो वाक्या है। एक के अनुसार बाबा दीप सिंह ने सिर कट जाने के बाद भी लड़ाई जारी रखी, एक हाथ में सिर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों का वध किया और पवित्र शहर अमृतसर पहुंचने पर ही उन्होंने लड़ाई रोकी और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे वाक्या के अनुसार गर्दन पर वार करके उन्हें प्राणघातक चोट पहुँचाई गयी, लेकिन सिर पूरी तरह से नहीं कटा। इस वार के बाद एक सिख ने बाबा दीप सिंह को याद दिलाया, आपने सरोवर के किनारे पहुंचने का संकल्प लिया था। सिख की बात सुनकर उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से 15 किलो के खंडे के वार से दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाते हुए हरमंदिर साहिब के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सिखों ने हरमंदिर साहिब में 1757 में बंदी छोड़ दिवस मनाया। सिखों ने अफगान सेना को हराकर अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की और बाद में उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। जिस स्थान पर बाबा दीप सिंह का सिर गिरा था उसे स्वर्ण मंदिर परिसर में चिन्हित किया गया है और दुनिया भर के सिख वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा दीप सिंह का खंडा, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई में किया था, अभी भी अकाल तख्त में सुरक्षित है।